हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं अरविंद वर्मा फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल खाना खजाना विद अरविंद। और आज की हमारी जो डिलीशियस रेसिपी है वो गुजिया है, चाशनी वाली, एकदम हलवाई वाली गुजिया। कैसे बनाते हैं वे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुजिया बनाने के लिए पहले तो हमें आटा लगाना ज़रूरी है, जिससे कड़ी कड़ी गुजिया बने बढ़िया से मैदे की। तो मैदा हमने ले लिया है एक बाउल में, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल मोयन देने के लिए, क्योंकि मोयन देना ही सबसे मेन है किसी भी चीज़ को खस्ता और टाइट बनाने के लिए। तो हमेशा तेल का ही मोयन दें यदि आपको खस्ता बनाना है, टाइट बनाना है तो। और अगर लचीला बनाना है कुछ तो आपको घी का मोयन देना पड़ेगा। तेल का मोयन इस तरीके से देने के बाद बढ़िया से मिक्स कर लें, और इस तरीके से जब करेंगे तो उसके गोलियाँ बनेंगी जिसे कड़े टाइप की। तो समझ लीजिए आपका एकदम से आटा तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेते हैं। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे बहुत गीला आटा नहीं लगाना है, टाइट ही आटा लगाना है बढ़िया से। देखिए आटा लग के एकदम चिकना तैयार हो गया है। आटे को ढक के रख देते हैं थोड़ा सा सेट होने के लिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अंदर की फिलिंग को तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हम घी डालते हैं थोड़ा सा। घी में हम सूजी बहुत कम अमाउंट में यूज कर रहे हैं, बट यूज कर रहे हैं। तो आधी कटोरी तक हमने सूजी ली है, बड़े दाने वाली सूजी है मेरी तो। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा लाल कर लेंगे। फ्राई करने से इसमें एक खुशबू और सौंधीनेस आ जाती है, बहुत ही अच्छा, जो कि खाने में लगता है। इसको हम मसाले के साथ तैयार करेंगे, जो फिलिंग होगी खोए की उसके साथ। इसको भुनना बहुत ज़रूरी है, जलने ना दे, ध्यान दें, ज़्यादा हमें कच्चा नहीं छोड़ना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही भून लें। और इसी के साथ हम सारे जो चॉप्ड किए गए हमारे नट्स हैं और ये सब हैं उसको डाल देंगे। तो वो रेडी हो गया हमारा सूजी। दूसरी बाउल में हम लेते हैं खोया। खोए के साथ जो हमने मेवे या नट्स लिए थे, हमने तो बादाम, काजू एंड पिस्ता काटा था, वही लिया है केवल, उसको ऐड कर देंगे। जितने अमाउंट में आपकी गुजिया बनानी है उस अमाउंट में आप यूज करते चले जाएं। फिलहाल मैंने ये लिया है। और तीसरी चीज़, मैंने गरी के बुरादे लिए हैं। गरी को मैंने काट के नहीं डाला, गरी का बुरादा ले लिया था, उससे कस लिया था कद्दूकस से। एंड चीनी मैंने खड़ी ही यूज की है, क्योंकि ये जब हीट पाती है, हम गुजिया को तलते हैं तो उसी समय गल जाती है। आप चाहें पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। आटा तैयार है, देखिए आटा बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसकी लोइयाँ काट लेते हैं फटाफट। हम लोइयाँ चाहे जितनी बड़ी काटिए आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुजिए में बार बार हमारा वेस्ट निकलता रहता है, उसी की हम लोइयाँ बनाते रहते हैं और करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसका हम चकिया बना लेते हैं। चकिया रेडी हो गई, अब बेलते हैं फटाफट। बेलना है पतला पतला, एकदम से बढ़िया गोल इस तरीके से मैदा लगा के आप पतला पतला बेल लें। ज़रूरी नहीं गोल बेलना, बस पतला कर लीजिए। गोल तो हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ बता के आपको। जुगाड़ के तौर पे मेरे पास टिफ़िन का एक ये है, उसके बारियों से हम चारों तरफ से काट लेंगे, इस तरीके से गोल वाला पोर्शन निकाल लेंगे। और देखिए वेस्ट जो बचा उसका दोबारा फिर बनाएंगे, बट इसको हम पहले इसमें फिलिंग भरते हैं। और फिलिंग भर के इस तरीके से हम, हाँ इस तरीके से पकड़ के चारों तरफ हम दबा देंगे। आप चाहें तो अगर आप इसको दबाना है, प्रेस करना, जिससे खुले ना, क्योंकि ऑयल में अगर ये खुल गया तो फिर सारा वेस्टेज होने वाला है। मसाला वेस्ट ना हो आपका तेल में गिर के, इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो अपना गोल चकिया लिया था उसके चारों कॉर्नर पर बेलने के बाद हम पानी लगा लेंगे, देन प्रेस करेंगे, तो ये हमारा वो नहीं होगा। और डिज़ाइन बनाने के लिए हम कॉर्नर है उसको फोल्ड करेंगे, और उसके ऊपर जो कॉर्नर बना उसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है और बनता चला जाएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है इस तरीके से। ये देखिए बढ़िया से हमारा डिज़ाइन पूरी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देते हैं जिससे खुले ना हमारा। ओके, इसी तरीके से सारी हम डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। सारी गुजिया हमारी रेडी है। अब चलते हैं, हमने पैन को पहले से चढ़ा दिया ऑयल को। ऑयल पूरी तरीके से गर्म हो गया है, हमने पहले का यूज्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें गुजिया का या कुछ टुकड़ा गिरा हुआ है तो चलेगा। एंड हम गर्म तेल में डाल के
इसको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे डीप रेड कलर में, जिस कलर में चाहिए, पकनी तो चाहिए आपकी। इस तरीके से हमारी गुजिया एकदम रेडी है। बस अब इनको निकाल लेते हैं। एक प्लेट पे थोड़ा सा पेपर लगा देते हैं पहले, एंड देन इसको रख लेते हैं उस पर, जिससे ऑयल हमारा उसमें पेपर में डिप कर जाए, थोड़ा सा सोख ले। ये देखिए, ओके। तो हमारी सारी गुजिया तैयार कर ली इसी तरीके से हमने तल तल के बढ़िया से। अब चलते हैं दूसरी तरफ चाशनी के लिए। जो हलवाई वाला फील लेना है तो चाशनी तो बनाना है। चाशनी के लिए मैंने एक गिलास पानी डाला है। ज़्यादा चाशनी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आधी गुजिया ही डिप करने वाला हूँ, आधा सूखी गुजिया रखने वाला हूँ खाने के लिए। तो चाशनी में मैंने एक कटोरी, एक गिलास पानी में एक कटोरी चीनी डाल दिया है। चीनी थोड़ी कम लग रही थी इसलिए आधी कटोरी और डाल दिया है। तो अब इसको हम बढ़िया से पका लेंगे। पकाना इसमें ऐसे है कि थोड़ी तार हो जाए, मतलब हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, छेने की तरह चाशनी नहीं चाहिए हमें, एकदम पानी टाइप की। तो चाशनी को पकाना ज़रूरी है, इसलिए इसको चलाते रहें, नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाएगी, थोड़ा थोड़ा स्मेल आ जाएगी। देखिए, चीनी पूरी तरह से जब घुल जाए तो हम केसर थोड़ा सा डाल देंगे। केसर डालने से एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, पीलापन तो हो ही जाता है बट खुशबू बढ़िया आती है, इसलिए मैं केसर ऐड करना प्रेफर करता हूँ। किसी भी मिठाई में केसर ऐड कर देने से एक अच्छी खुशबू। यदि आप चाहें तो गुलाब जल का हल्का सा पानी डाल देंगे तब भी आ जाएगा, केसर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारी चाशनी की ताड़ एकदम बन गई है तैयार। चाशनी हम उसमें गुजिया ऐड कर देंगे। गुजिया ऐड करके थोड़ा सा चला देते हैं क्योंकि ये चाशनी थोड़ी सी गर्म है। दोनों तरफ पलट के उसके ऊपर चाशनी डाल के और गुजिया हमने बचा ली है सूखी खाने के लिए। इसको पलट पलट के हम बढ़िया से चाशनी में डुबा लेते हैं तो अंदर तक चाशनी हमारी सोख जाएगी इस तरीके से पलट पलट के। और हमारी गुजिया बढ़िया से तैयार हो जाएगी हलवाई टाइप की, जहाँ डिप नहीं होती हम करछी लेंगे, जिसको कहते हैं पैन, उससे उठा के हम थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर और इसको अब हम एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं इस तरीके से एक एक करके। ये बहुत बढ़िया से चाशनी पी गई है हमारी सारी गुजिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद सारी गुजिया हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारी गुजिया एकदम रेडी है। थोड़ी चाशनी ऊपर से डाल दी है मैंने और बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है। तो दोस्तों, है ना बनाना आसान गुजिया, तो आप फिक्र मत करें, फटाफट बनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी बनी आपकी गुजिया। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।